आदिवासी बाहुल्य विकास खंड को ऐसे तो एक लंबे अरसे से तहसील का दर्जा प्राप्त है, लेकिन फिर भी शासकीय व्यवस्था के नाम पर शून्य है। सेगांव को अभी पुलिस थाने की अत्यंत दरकार है। यहाँ मात्र पुलिस चौकी है और 6 लोग पदस्थ है, जिसमें एक SI, ASI प्रधान आरक्षक और 3 आरक्षक है, और 40 गांवों का जिम्मा इनके माथे पर थोप दिया है। इन 6 लोगों को गांव में भी जाना है, वारंट भी तामिल करना है, और एक्सीडेंट में MLC के साथ मरीज के रेफर होने परिवार कोई सदस्य नहीं हो तो खरगोन भी जाना है। रात्रि गश्त व त्योहारों, जलसों व जुलूसों में भी व्यवस्था बनाने का काम पुलिस का ही है। यहाँ पर सभी विभागों के शासकीय कार्यालय भी विद्यमान है, जिसके कारण लाई एंड ऑर्डर और VIP को फॉलो भी देना पड़ता है। वैसे तो एक लंबे अरसे से नगरवासी व क्षेत्रवासी द्वारा पुलिस थाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस ओर न ही सरकार व जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। की मांग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस थाने की तो सख्त आवश्यकता है सेगांव में। कई सालों से यहाँ पर पुलिस चौकी है, जिसमें जवानों की संख्या भी काफ़ी कम रहती है, जबकि सेगांव के आसपास लगभग 35-40 गाँव है, तो यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब पुलिस जवानों की कमी के कारण चौकी प्रभारी और पुलिस के जवान भी क्या कर सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? देवेंद्र मंडलोई। सेगांव विकास खंड मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर लंबे समय से थाने की मांग की जा रही है, और यहाँ पर पुनः आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर शीघ्र ही थाना मंजूर किया जाए, क्योंकि सेगांव के आसपास लगभग 50 से 60 गांव लगते हैं, और आए दिन कोई न कोई वारदात होती रहती है। साथ ही स्टेट हाईवे होने के कारण यहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, और पुलिस जवान बहुत कम होने के कारण यहां पर आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सांसद महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर शीघ्र ही थाने की मंजूरी दी जाए। धन्यवाद। मुकेश पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष, सेगांव। गांव में एकमात्र पुलिस चौकी और 6 जवान हैं और 40 गांव की जिम्मेदारी सौंप रखी है। यहां पर पुलिस थाना होना अनिवार्य है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है। ये सेगांव हमारा मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, सारी चीज़ें यहाँ है, और यहाँ पे जो पुलिस चौकी है लगभग 40 से 50 गांव के आसपास सेगांव ब्लॉक के जो हैं पुलिस चौकी के अंतर्गत आते हैं, और बल संख्या कम होने से इतनी दूर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। हमने पिछली सरकार कांग्रेस सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री जी को भी यहाँ पे पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अभी वो कोई सकारात्मक स्थिति में नहीं है, और हम मांग करते हैं सरकार से भी, मैं मांग करता हूँ मेरी विधानसभा क्षेत्र का ये ब्लॉक मुख्यालय जहाँ पुलिस चौकी है उसको थाने का दर्जा दें, और जब तक दर्जा पुलिस थाना यहाँ स्वीकृत न हो तब तक यहाँ का पुलिस बल बढ़ाया जाए और लोगों को हर तरह की सुरक्षा दी जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।